नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, जो उपाय आपके बुध को मजबूत बना देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके आवक के स्रोत एक से ज्यादा होंगे। जैसे आप टीचर हैं तो साथ में आपको ट्यूशन भी मिलने जाएंगे। जो लोग ट्यूशन क्लास चलाते हैं उन्हें और भी कहीं पर जाकर के और भी कोई अलग सोर्स मिल जाएगा पैसे कमाने का। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी अलग अलग तरह तरह के ऑफर्स आने लग जाएंगी। मतलब कि आवक के स्रोत जो है आपके वो बहुत ही मजबूताई से बढ़ना शुरू होंगे। जैसे कि पेड़ पौधा है उसकी जड़ जितनी ज्यादा फैलती जाती है, जितनी दूर तक जाती रहती है, पौधा उतना ही ज्यादा मजबूत बन जाता है। आवक के स्रोत जितने ज्यादा होते हैं व्यक्ति उतना ही ज्यादा सबल होता चला जाता है, है ना? आपका बुद्धि बल जबरदस्त रूप से बढ़ेगा। जिनकी बुद्धि थोड़ी कम चलती है, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकती है, उन्हें तो अवश्य ही इस उपाय को करना चाहिए। तो उपाय यदि आपको अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों हर बुधवार आप अपने घर में अक्खी मूंग, खड़ी मूंग लेकर के आए, वो भी बहुत शुभ होता है। बुधवार के दिन घर में खड़ी मूंग लाना या मूंग की दाल लाना, मूंग की दाल से भी ज्यादा दोस्तों खड़ी मूंग घर में लाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मूंग बुध ग्रह से जुड़ी हुई है। बुधवार के दिन सफेद गाय को मूंग जरूर खिलाएं। गेहूं के आटे का एक लोया बना लें, उसके अंदर थोड़ी सी खड़ी मूंग डालें और उसको एक पेड़े के आकार का बना लें और उसके बाद में सात बार या पांच बार ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र को बोल दें और वो लोया आप सफेद गाय को खिला दें। यदि बुधवार आप इस क्रिया को करेंगे आपके बुध जबरदस्त रूप से मजबूत बनते हैं। और दोस्तों बुधवार के दिन खड़ी मूंग की सब्जी जरूर खाएं। जैसे भी आपको बनाना आता हो वैसे आप उसको बना लें, लेकिन खाएं जरूर। बुधवार के दिन घर की उत्तर दिशा में थोड़े से फूले हुए खड़ी मूंग के दाने यदि कच्ची जमीन है तो उसमें डाल दें, वो उंग करके आ जाएगा ऊपर और वो जब जब हवा चलेगी और वो हवा से उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपके बुध मजबूत बनते हैं। खड़ी मूंग यदि आप पानी में भिगो करके रखते हैं तो उसे भी आप उत्तर दिशा की तरफ ही रखें, बराबर। और यदि बुधवार के दिन आप खड़ी मूंग को भिगो करके पानी में डाल देते हैं, थोड़े जमीन में डालते हैं थोड़ी सी भी, वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। क्योंकि वो जब भी उसको मट्टी को जब एक्सेप्ट करेगा और उसके रूट बनेंगे, तो जब भी किसी चीज का रूट यदि आपके घर में है, आप देखना जड़ों के उपाय आपको क्यों बताए जाते हैं, जड़ किसी भी चीज की यदि आपके घर में है तो उस पौधे का पूरा फल आपको मिलता है। तो यदि ये चीज जड़ पकड़ती है तो बुध आपके और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। आज के दिन खड़ी मूंग की सब्जी जरूर खाएं, मूंग की दाल भी खाएं, घर में खड़ी मूंग जरूर लेकर के आएं और उत्तर दिशा में आप जरूर इसे रखें। बहुत ही जल्दी देखेंगे दोस्तों आप कि आपके बुध मजबूत बनेंगे, आवक के स्रोत जबरदस्त बनेंगे, बुद्धि आपकी तेज चलना शुरू होगी। उपाय अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी दोस्तों कांटेक्ट ना करें, ये तमाम फ्रॉड लोग हैं। फोटो मेरा डालते हैं और नंबर ये खुद का डालते हैं। नकली वीणा भदौरिया आप सबसे बात कर रही है और पैसे लूट रही है, प्लीज सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।